hello everyone a very good evening to all of you i welcome you all in this session ashmit bhavadeep ram sapna math guru anchal mayuresh khushi akanksha neha i am audible and visible you all properly is everything all right how is the health of the transmission सब कुछ ठीक है बिल्कुल एक मिनट में जरा आपके कॉमेंट में थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है लेट मी फिक्स इट यस नाउ इट्स ऑल फाइन ग्रेट चलिए जी वेलकम 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 अस्मित इज रिसेंटली पास क्लास ट्वेल्थ एग्जाम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी

लेट्स गेट स्टार्टेड देखो जब भी किसी भी टॉपिक की हम बात करते हैं तो ये हमें ये जरूर समझना चाहिए कि उस टॉपिक के जरिए जो एग्जामिनर है वो किन तरह की स्किल सेट्स को टेस्ट करना चाहता है सिट दिसन इफ आई आस्कू दिस सिंपल क्वेश्चन दैट वॉट काइंड ऑफ स्किल सेट्स एन एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन वाइल ही क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट वॉट विल बी योर आंसर क्लोज टेस्ट के जरिए एक एग्ज़ामिनर किन तरह की स्किल सेट्स एक कैंडिडेट के अंदर टेस्ट करना चाहता है बिकॉज अगर हम इफ़ वी आर एबल टू पुट आर सेल्फ इन दैड स्पेस ऑफ द एग्ज़ामिनर कि वो क्या सोचते हैं क्या जानना चाहते हैं तो काम थोड़े आपके लिए आसान हो जाता है तो लेट मी पुट थिंग्स इन टू परसपेक्टिव फॉर यू पीपल देखिए देर आर टू स्किल सेट्स जो कि जनरली वो टेस्ट कर रहे होते हैं क्लोज टेस्ट के जरिए और वो दो स्किल सेट्स कौन सी हैं द फर्स्ट वन इज योर रीडिंग स्किल्स your reading skills right why is it so because in close test you get a paragraph aapko ek paragraph milta hai there are uh, certain blank places in that particular paragraph kaise fillers ki agar hum baat kare to one blank ka question hai two blanks ke three blanks ke questions bhi puche jate hain इस तरह से अगर हम क्लोज test की बात करें तो minimum आप ये जान uh, मतलब पांच ब्लैंक प्लेसेस के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और वो बढ़ते हुए आगे भी जा सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं टेन फिफ्टीन तक भी पहुंच सकता है बट मिनिमम फोर टू फाइव ब्लैंक प्लेसेस तो वहां पे रहेंगी, रहेंगे ही रहेंगे एंड फॉर ईच ऑफ द ब्लैंक प्लेसेस यू विल गेट फोर टू फाइव ऑप्शन तो रीडिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं वी गेट अ पैराग्राफ राइट और वो पैराग्राफ आपको पढ़ना है उसकी मेन आइडिया को समझना है उसकी टोनैलिटी को समझना है कॉन्टेक्स्ट को समझना है ये सारी चीजें करने के बाद आप इस हालत में होते हैं कि आप सही शब्द का चुनाव कर सकें राइट right? तो इसलिए रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको क्रिटिकली रीड कर पाओ एक्टिवली रीड कर पाओ और ये सारी इंफॉर्मेशन जो उसमें छुपी हुई है लाइक व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज राइट व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑथर वो क्या कहना चाहता है अगर उस पैराग्राफ में किसी की तारीफ हो रही है तो वो तारीफ हाई डिग्री में हो रही है कि माइल्डर डिग्री में हो रही है किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हाई डिग्री में क्रिटिसाइज कर रहे हैं माइल्डर डिग्री में उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें तय करेंगी शब्दों के चुनाव को वट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर गोइंग विल बी डिसाइडेड बाई दीज फैक्टर्स ओनली तो शब्दों के चुनाव में आपकी रीडिंग स्किल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है उसका बड़ा रोल है तो आज के सेशन में मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा उन तरह की चीज़ें और सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि क्लोज टेस्ट का छोटा भाई फिलर्स होता है तो यहां पे मैं डबल फिलर्स के थोड़े बड़े सेंटेंसेस आपको दूंगा जहां पे आपको बात को समझना होगा पहले आपकी रीडिंग स्किल्स की टेस्टिंग होगी और उसके बाद हम फिर क्लोज टेस्ट पे जाएंगे दो दो ब्लैंक प्लेसेस के क्वेश्चन पर थोड़े से पैराग्राफ टाइप के छोटे छोटे पैराग्राफ टाइप के वो सेंटेंसेज होंगे तो खैर पहली स्किल सेट आपकी रीडिंग स्किल्स है एंड जो सेकेंड स्किल सेट की अगर हम बात करें तो वो क्या है वो वोकैब स्किल्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर उट दैट मगिंग अपन वर्ड्स वोकैप स्किल्स वोकैब स्किल्स से मेरा क्या आशय है वॉट डू आई मीन वन आई से वो कैब स्किल्स वोकैब स्किल्स का मतलब कि अब अब देर इज अ ब्लैंक प्लेस एंड फॉर दैट ब्लैंक प्लेस यू हैव फोर वर्ड्स टू चूज फ्रॉम कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उन चार शब्दों में से शायद आपने दो शब्दों को बाहर कर लिया आपको पता लगा कि तो आई नीड तो उनको एलिमिनेट कर दिया बट स्टिल यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू वर्ड्स और ये बहुत सारे एग्जाम्स में समस्या आपको आती है कि भाई इंग्लिश में हमें कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगने लग जाते हैं कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि अगर आपने वो कैब रट -रट के पढ़ी हुई है तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार ये तीनों वर्ड तो सिनोनिमस हैं मैंने इनको सिनोनिम के तौर पे पढ़ा है ये पर्यायवाची शब्द है बट अगेन यू आर नॉट सपोज टू फिल ऑल द थ्री वर्ड्स आउट देयर यू हैव टू गिव गो विद वन वर्ड एंड यहां पे अब हमें ये सवाल पूछना होता है कि डू आई हैव एनी मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ विच आई विल चूज द वर्ड कोई मैकेनिज्म कोई तरीका कोई आपके पास इस तरह का कुछ हेल्पिंग हैंड है क्या जिसके आधार पर आप समानार्थी शब्दों को डिफ्रेंसिएट कर सकें सो दिस इज द कैच इन वोकैब बेस्ड क्लोज टेस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट मे हैपन कि भाई वहां पर आपके पास दो या तीन वर्ड सिमिलर सेंस के हैं तो आप उनको कैसे अलग करें और उसके लिए वोकैब स्किल्स की जरूरत है और जब मैं वोकैब स्किल्स की बात कर रहा हूं तो आई एम रेफरिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉनोटेशन दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर कॉनोटेशन कॉनोटेशन मीन्स वॉट द एटीट्यूड ऑफ द वर्ड द वर्ड इज पॉजिटिव वर्ड इज़ नेगेटिव और वर्ड इज़ न्यूट्रल क्योंकि एक ही मतलब के शब्द पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं बहुत लेम एग्जाम्पल्स हैं बार बार लिए भी जाते हैं बट सिंपल चीज़ों से बात बहुत आसानी से आपको समझ आती है जैसे आप देखते हैं जहाँ पे ओल्ड पीपल लिखा होता था आजकल वहाँ पे सीनियर सिटीजन लिखा हुआ आपको मिलता है क्यों ऐसा हुआ क्यों मेट्रो डेली मेट्रो की आप बात करो जहां जहां पे वो दो सीटें जहां होती थी और जहां लिखा होता था फॉर ओल्ड पीपल एंड डिसेबल्ड डिसबल्ड याडीकैप्ड वहां शब्दावली बदल गई अभी वहां पे क्या यूज होता है अभी वहां पे यूज करते हैं डिफरेंटली एबल्ड या हिंदी में विकलांग की जगह पे दिव्यांग लिखा हुआ आपको मिलता है और जहां ओल्ड लिखा था वहां मिलता है आपको सीनियर सिटीजन तो ओल्ड वर्ड हैज़ नेगेटिव कॉनोटेशन वेयर एज सीनियर सिटीजन हैज पॉजिटिव कॉनोटेशन

And on that basis, you decide that what kind of connotation is required. Let me give you a very simple example for this simple concept. Like, if I ask you, I am, I am impressed by your very simple words to choose, childish and childlike behavior. If I ask you this question, और आपसे पूछूं कि आउट ऑफ दीज टू वर्ड्स विच वर्ड विल यू गो विद तो किसके साथ जाने वाले हो आप बताओ मुझे किसके साथ जाने वाले हो गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन कोई बात नहीं यूके मिश्रा जी इसीलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल चीजों की सो दिस इज एब्सोल्युटली ऑब्वियस अब जैसे मैं पूछूं आपसे सिंपल क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज रिक्वायर्ड अगर मैं इंप्रेस्ड हूं सो so डेफिनेटली मुझे एक पॉजिटिव वर्ड की दरकार है जरूरत है यहाँ पे एंड चाइल्ड लाइक वर्ड हैज पॉजिटिव कॉनोटेशन चाइल्ड लाइक का मतलब होता है एक बच्चे की तरह इनोसेंट बिना किसी मुखौटे के जबकि चाइल्ड की जो टोनैलिटी है या कॉनोटेशन है वो नेगेटिव है अगर मान लो सेंटेंस कुछ इस तरीके का होता सेकेंड वन कि आई एम इन इट इरिटेटेड आई एम इरिटेटेड बाय योर और फिर आपके पास ये दो चॉइसेस होती तो आप अब यहां पे चाइल्ड के साथ जाते आई एम इरिटेटेड बाय योर बिहेवियर राइट आई एम इरिटेटेड बाय योर बिहेवियर बिकॉज अभी इरिटेटेड हो इसका मतलब ब्लैंक प्लेस में कैसा वर्ड चाहिए नेगेटिव कॉनोटेशन का चाहिए तो कॉनोटेशन का ये मतलब होता है द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट वर्ड हैज और इसकी समझ आपको धीरे धीरे यूसेज जब आपको समझ आता है वो कैब का तो ये समझ बढ़ती है अब आप वहीं पे किसी के लिए स्लिम यूज़ करें किसी के लिए स्वेल्ट ब्यूटी यूज़ करें किसी के लिए स्किनी शब्द का इस्तेमाल करें किसी के लिए स्लेंडर का इस्तेमाल करें है तो सभी पतले बट सबका जो टोनैलिटी uh, है जो कॉनोटेशन है वो अलग अलग है ब्रेव और ब्रेजन एक्ट में फ़र्क होता है फेमस और नोटोरियस में फ़र्क होता है ख्याति दोनों की है बट एक विख्यात है कुख्यात है राइट? सो एक क्रिमिनल को फेमस नहीं बोलोगे उसको नोटोरियस बोलोगे जानते तो हैं लोग नोन अब नोन हैज न्यूट्रल कॉनोटेशन नोन जाना जाता है वैसे जनरली इसका टिंज पॉजिटिव में होता है अगर न्यूट्रल कॉनोटेशन का वर्ड है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल हो जाता है बट नोटोरियस इज आउट राइटली वर्ड हैविंग नेगेटिव कॉनोटेशन जबकि फेमस का इस्तेमाल हम पॉजिटिव कॉनोटेशन में करते हैं तो इसको कॉनोटेशन कहा जाता है तो कॉनोटेशन एक पैरामीटर है जो सही शब्द के चुनाव में आपको मदद करता है व्हाट इज द सेकंड पैरामीटर जब वो कैब स्किल की बात हो रही है वहां पे बात आती है कॉन्टेक्स्ट की कई बार चर्चा इसके लिए भी की है अगली स्लाइड पे कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं आ, बहुत जनरल वर्ड है क्योंकि जो नए लोग भी देख रहे हैं वो भी थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकें जैसे आपके पास शब्द है मैसेकर एक फिल्म की बात लगातार इस समय हो रही है ग्यारह तारीख को वो रिलीज हुई है और उस फिल्म में लगातार एक चर्चा सुन रहे हैं एक वर्ड की इसमें मैसेकर है जेनोसाइड है एंड कार्नेज है इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉमनैलिटी बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स द कॉमनैलिटी इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द मास किलिंग यानी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं यहाँ पे लेकिन अगेन अगर आप सिर्फ मास मर्डर या मास किलिंग शब्द को याद कर लोगे या ये दिमाग में रख लोगे दैट ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर सिनोनिमस एंड खुदा न खासा ये शब्द अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन के अंदर और आपकी जानकारी बस इतनी है कि तीनों शब्द पर्यायवाची हैं तीनों में मास किलिंग होती है तो आप पेपर में फंस जाओगे मैं इसी की बात कर रहा हूं। वो है या आपको बिल्कुल होनी चाहिए कि अंग्रेजी में अगर शब्द अलग है तो मतलब जरूर अलग होगा एंड दिस इज योर जॉब टू फिगर दैट आउट दैट वॉट काइंड ऑफ डिफरेंस दिस वर्ड हैज इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द अदर वर्ड्स तो मैसेकर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं यहां पे टर्म था आपका डेलिबरेट यानी जानबूझकर बूझ एंड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग जलियां वाला बाग हत्याकांड दैट इज मैसेकर जब जेनोसाइड की बात करते हो दिस इज वॉट प्लैंड किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी प्लैंड किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जब किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके एक प्लान तरीके से मारा जाता है तो वहाँ पे हम शब्द यूज़ कर रहे होते हैं कौन सा जेनोसाइड और वहीं पे कार्नेस की बात होती है किसके लिए एक तो एक्सीडेंटल किलिंग्स जो होती हैं प्लेन क्रैश में ट्रेन की दुर्घटना में बस पलट गई चालीस लोगों की मौत हो गई डूबने से तो जो एक्सीडेंटल किलिंग्स हैं वहाँ पे आप कार्नेस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी मास किलिंग हो रही है ज़्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं या दूसरा किलिंग्स इन वॉर सिचुएशन जिस तरह की घटना इस समय यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर हो रही है उसे भी आप कार्नेस कहोगे किलिंग्स इन सिचुएशन दैट इज कॉल्ड तो इसे हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ये कॉन्टेक्स्ट का फर्क है यहां कोई कॉनोटेशन का मामला नहीं है ये कॉन्टेक्स्ट का मामला है कि भाई एक ही श, आ, मतलब के शब्द है लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं अब आप कम बोलने के लिए शब्द यूज करते हो लेकोनिक रेटिसेंट और रेटिसन तीनों बस अगर आपने ये रट लिया कि तीनों का मतलब कम बोलना होता है पेपर में फंस जाओगे आप आपका काम है इनके बीच का फर्क जानना वो इंसान है हु इज इज नॉट इंटरेस्टेड इन एज लैकोनिक अ पर्सन जो कि लेस स्पीकिंग में ज्यादा बातें कह जाता है जिसको हम कहते हैं ना कम लिखना ज्यादा समझना और लैकोनिक खैर नेगेटिव सेंस में भी कई बार यूज हो जाता है कि आप इतना कम बोलें कि सामने वाले को कई बार रूड मालूम पड़ने लग जाते हैं और तीसरा शब्द कौन सा बताया मैंने रेटिसेंट रेटिसेंट पर्सन जो है इन जनरल कम्युनिकेशन में बेहतर है बट वो अपनी पर्सनल चीजें अपनी फीलिंग्स इमोशन थॉट्स आपके साथ शेयर नहीं करेगा अगर आप एक रेटिसेंट पर्सन के साथ ऑफिस में काम करते हैं जहां तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात है द पर्सन इज एब्सोल्युटली फाइन बट व्हेन इट कम्स टू हिज पर्सनल फीलिंग इमोशन एंड थॉट्स वो आपसे ओपन अप नहीं होता वहां हम रेटिसेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो लोग रिजर्व नेचर के होते हैं कम तीनों बोल रहे हैं बट देयर इज डिफरेंस इन कॉन्टेक्स्ट तो इस पे फोकस करना है वो कैब स्किल्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसी तरीके से आपके पास अगला टर्म आता है कॉलोकेशन थ्री सी अप्रोच बहुत काम का है कॉलोकेशन का मतलब कि भाई अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट बाय डिफॉल्ट कम टुगेदर शब्दों का वो समूह जो इन जनरल एक साथ आता है यहां पे आपको ग्रामर से बड़ी मदद मिलती है जो ग्रामेटिकल इंडिकेटर्स हैं हमारे Uh, जैसे ब्लैंक प्लेस में आपको पता लग रहा है कि आई नीड अ वर्ब आई नीड एन एडजेक्टिव आई नीड अ नाउन ओवर हेयर सो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू आउट इन एलिमिनेटिंग द रोंग ऑप्शन च्वाइसेज आपको पता है कि अगर विल लगा हुआ है विल के बाद ब्लैंक प्लेस है तो आपको पता है कि आई नीड अ वर्ब आउट हेयर अब मान लीजिए चार ऑप्शन में से वहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन हैं जो वर्ब की कैटेगरी से नहीं आते एक एडजेक्टिव है एक नाउन है यू कैन ईजिली एलिमिनेट दोज ऑप्शन च्वाइसेज से कम आप आपके पास दो ही वर्ब बचे और फिर आपको कॉन्टेक्स्ट के आधार पर आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब से कई बार बहुत मदद मिल जाती है राइट right? uh, जो कॉलोकेशन हमारे यूज होते हैं कि भाई इसकी जोड़ी इसके शब्द के साथ बनती है जैसे आप बहुत बेसिक से एग्जांपल लें हम अकॉर्डिंग टू बोलते हैं बट इन अकॉर्डेंस विद बोलते हैं सो दिस इन अकॉर्डेंस विद इज व्हाट दैट इज कॉलोकेशन राइट अकॉर्डिंग टू इज कॉलोकेशन ऐसा नहीं कि आपको फीलिंग आ रही अकॉर्डिंग के साथ आज फ्रॉम लगा लेता हूँ नहीं लगा सकते आप इसी तरीके से आप अवर्स टू करते हैं बट रिफ्रेन फ्रॉम करते हैं बिकॉज किसी चीज से अवर्जन रखना या रिफ्रेन करना भी उससे दूर जाने की बात है लेकिन आपके पास अब मान लो यू आर कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू चॉइसेस बिकॉज बोथ हैव सिमिलर मीनिंग्स तो आपको देखना है कि जो ब्लैंक प्लेस के बाद क्या लिखा हुआ है एंड दैट हेल्प्स यू आउट इन डिसाइडिंग दैट विच पर्टिकुलर वर्ड आई शुड गो विद राइट तो अगर फ्रॉम लिखा है तो रिफ्रेंड के साथ चले जाओ टू लिखा है तो किसके साथ चले जाओ आप आप चले जाओ आवर्स के साथ तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है ये चीज़ें आपको मदद करती हैं कि भाई रिफ्रेन की जोड़ी फ्रॉम के साथ बन गई राइट दिस इज कॉल्ड कॉलोकेशन या जैसे मैंने यहाँ पे बात करी है फ्रेजल वर्ब्स की फ्रेजल वर्ब्स की समझ आपको बहुत मदद करती है फिक्सड प्रपोजिशन जिन्हें हम कहते हैं कि भाई इस वर्ड के साथ ये वाला प्रपोजिशन इस कॉन्टेक्स्ट में लगेगा राइट right, जैसे अब आप बात करोगी यू नो जैसे हम कहें अगर यहाँ पर if you're looking for something तो वो उसका क्या मतलब है if you're looking around something उसका सेंस अलग हो जाता है ना ठीक है सो लुक तो कॉमन हो सकता है ब्लैंक प्लेस में मान लीजिए इस तरह की चॉइसेस हैं आपके पास वहीं पे if you look down upon someone वहां पे कुछ सेंस और है वहीं पे if you look up to someone वहां पे सेंस कुछ और है राइट सो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड कोलोकेशन कि भाई किस पर्टिकुलर वर्ड की जोड़ी आप लुक के साथ बना रहे हो और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं पुट ऑन का क्या मतलब है पुट ऑफ का क्या मतलब है पुट अक्रॉस पुट इन पुट आउट बहुत सारे सेंस अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स ही हैं वोबिक्स प्रपोजिशंस तो ये कॉलोकेशन से भी आपको बहुत मदद मिलती है आइए तो इस छोटे से ज्ञान के बाद अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास ये है जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ी आपकी रीडिंग स्किल्स और वोकैब स्किल्स चेक होंगी दो ही ब्लैंक प्लेस है बट पैराग्राफ है आपके पास रीड इट आउट एंड टेल मी दैट विच ऑप्शन विल यू गो विध रेटिसेंट और इंट्रोवर्ट में क्या डिफरेंस होगा मिश्रा जी पूछ रहे हैं देखो इंट्रोवर्ट जो है वो अंतर्मुखी है उसमें ये भी हो सकता है कि वो बात ही ना करता हो वो बड़ा शर्मिला हो शाही हो वो शायद एक ऑफिशियल सिचुएशन में भी अपनी बात ना कर पाए बट हम जब रेटिसेंट इंसान की बात कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है या डिफिडेंट है या वो अपनी बात नहीं कह सकता बट उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो पर्सनल चीजें शेयर करने में टाइम लेता है जिसको हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग में टाइम लेता है वो आपसे सीधे अपनी पर्सनल बातें नहीं करेगा जी प्रेफर के साथ टू आता है सो so, बताएं प्लीज इन मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिसर्चर्स फाउंड दैट पीपल हु डिस्क्राइब एज जनरली हैप्पी हैव मोर एक्टिविटी इन द लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब ऑफ देयर ब्रेन देन डू अदर पीपल अ मेडिकेशन फॉर द लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन वुड बी एंड ट्रीटमेंट फॉर क्लिनिकल डिप्रेशन रीडिंग स्किल्स आपकी सबसे पहले टेस्ट हो रही हैं आप देखो और ये तरीका भी है बहुत बेहतर कि इस सेंटेंस के पहले पूरा सेंटेंस लिखा यानी जहां पे आपके पास ब्लैंक प्लेसेस हैं जहां आपके पास ब्लैंक प्लेसेस हैं उसके पहले का सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है मतलब यू कैन सिंपली रीड दिस पार्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू से फिर ऑन दैट बेसिस यू कैन सिंपली चूज द करेक्ट चॉइस बताओ किसके साथ जा रहे हो कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिसर्चर्स को क्या मिला उनको ये पता लगा उन्होंने ये पाया कि जो लोग हु डिस्क्राइब एज जनरली हैप्पी जो लोग अपने आप को हैप्पी कहते हैं कि मैं बड़ा खुश रहता हूं हैव मोर एक्टिविटी इन द लेफ्ट प्री फ्रंटल लोब उनके प्री फ्रंटल लोब ऑफ देयर ब्रेन्स में ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई देन डू अदर पीपल बाकी लोगों की तुलना में इसीलिए एक मेडिसिन फॉर द लेफ्ट आपको देखिए पहले यहां क्लिनिकल डिप्रेशन तो हम किस तरह के ट्रीटमेंट की बात करेंगे क्या हम यहां पे इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट की बात करेंगे क्या या हम बात करेंगे देर फॉर मेडिकेशन फॉर द लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब जब यह कहा जा रहा है कि ये रिसर्च में पाया गया कि जो लोग खुश हैं उनके लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब में ज्यादा एक्टिविटी है राइट right? तो इसका मतलब जो लोग डिप्रेस होते हैं वो खुश नहीं होते वो खुश नहीं होते तो उनको खुश करने के लिए हम कृत्रिम तरीके से क्योंकि ये लोग नेचुरली हैप्पी हैं इनके लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब में ज्यादा एक्टिविटी पा गई पाई गई तो अगर हम कुछ ऐसी मेडिकेशन बना सकें जिनसे लोगों के लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब में थोड़ी एक्टिविटी आए तो उस दवा के प्रभाव से शायद तो जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं वो जनरली इसी तरह के प्रिंसिपल्स पे काम करेंगी तो वो सप्रेसिंग को तो आप सप्रेस तो करोगे नहीं लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब को राइट यहां इंप्रूव करने की बात नहीं आ रही और ना तो चैलेंज करने की बात है स्टिमुलेट करने की बात है कि भाई लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब थोड़ा शांत है इनएक्टिव है ये इंसान डिप्रेस्ड है खुद से तो खुश है नहीं तो हम कोई ऐसी दवा बना दें जो इसके लेफ्ट प्रीफ्रंटल ब्रेन को थोड़ा स्टिमुलेट करे थोड़ी इसमें जान डाले जोश, कर, जोश प्रवाहित करे थोड़ा सा अगर हम ऐसा करते हैं वुड बी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर क्लिनिकल डिप्रेशन तो ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए मीन्स वॉट जो भी शब्द आपको चाहिए थे यहाँ पे वो आपके फर्स्ट सेंटेंस में जो कि यहां से लेकर यहां तक लिखा है उसका जवाब था सो बी फॉर बैंगलोर इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर आइए रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए अगला एक और सेंटेंस छोटा सा पैराग्राफ टाइप मोर ऑफन देन नॉट मदर्स आर फॉर ऑडिटीज ऑफ बिहेवियर इन देयर ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब अच्छे हो गया सिंगल मदर्स चिल्ड्रन रेज इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टाइम्स डू नॉट डिस्प्ले आउटरीजियस पैटर्न ऑफ बिहेवियर एज डू दोर फैमिलीज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फर्स्ट आउट रीड आउट द सेंटेंस और फिर उससे सेंस निकालिए रीडिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए और बताएं आप यू हैव अट फॉर दिस एंड देन आफ्टर डिस्क दैट बिल्कुल जी इंप्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं होता कुछ भी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये स थोड़ा सा लंबा मोर ऑफ एन देन नॉट पहले मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है मोर ऑफ एन देन नॉट मैं ही आपको बता दू इसका मतलब होता है जेनरली तो कहने का मतलब जेनरली लिखने की जगह पर यह लिखा हुआ मोर ऑफ एन दे जनरली क्या होता है कि मदर्स आर फॉर ऑडिटीज ऑफ बिहेवियर अब देखो यहां पर जो कॉनोटेशन की समझ की अभी हमने बात करी वो यहां पर इस्तेमाल हो रहा है पिछले सेशन में हमने सिंगल ब्लैंक प्लेस किया था और फिलर और क्लोज टेस्ट मिलते ही जुलते हैं भाई क्लोज टेस्ट में नंबर ऑफ ब्लैंक प्लेसेस ही बढ़ते हैं तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ग्रेडिट पैटर्न में आगे बढ़ने के लिए पहले ये क्वेश्चन दिए हैं अब आप मुझे बताएं कि अगर बच्चों में बिहेवियर में ऑडिटीज है उनका बिहेवियर थोड़ा ऑड है तो ये नेगेटिव ही हुआ और जब नेगेटिव हुआ तो मदर्स को उनके बच्चों के बुरे बर्ताव के लिए बिहेवियर के लिए क्या अप्रिशिएट किया जाएगा क्या क्या प्रेस किया जाएगा क्या इसी को कहा गया कॉनोटेशन आपको सेंटेंस को पढ़ के पता लग गया आपको सेंटेंस को पढ़ के पता लग गया कि यहां पे हम जो है यूज करने वाले हैं क्या एक नेगेटिव वर्ड ठीक है यहां पे हम नेगेटिव वर्ड यूज करने वाले हैं कॉनोटेशन यहां पे आपको नेगेटिव चाहिए तो जो दो पॉजिटिव वाले थे यानी अप्रिशिएटेड और प्रेज आपने इसको बाहर कर दिया इसके साथ साथ ये दोनों शब्द भी बाहर हो गए नाउ देर इज फाइट बिटवीन बी एंड ऑप्शन करने की बात कर रहे हैं दोनों नेगेटिव सेंस हैं कि आप माँ को कर रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं उनके बच्चों के बुरे बर्ताव के लिए लेकिन अब देखो फुलस्टॉप के बाद फुल स्टॉप के बाद जो अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है उसको कहां से शुरू करोगे आप क्या वहां देयर फोर आना चाहिए या इंटरेस्टिंगली एन आना चाहिए तो साफ साफ पता लग रहा है कि देयर फोर तो आप तब कह रहे होते जब आगे वाली बात पीछे वाली बात के साथ ही जा रही है इन द सेम लाइन बट यहां पे कहानी कुछ और है ये कह रहा है सिंगल मदर्स चिल्ड्रेन यानी जो सिंगल मदर्स होती हैं जो उनके बच्चे हैं रेस्ट इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टाइम्स वो जाहिर तौर पे उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है बच्चों को पालना क्योंकि अकेली माँ है फादर नहीं है लेकिन ऐसे बच्चे डू नॉट डिस्प्ले आउट रेजियस पैटर्न ऑफ बिहेवियर कौन से बच्चे सिंगल मदर्स चिल्ड्रेन दिस इज द सब्जेक्ट

तो इसका मतलब कि ऊपर जो हमने लॉजिक दिया कि बच्चे के बिगड़ने के बाद माँ के ऊपर ब्लेम ठोक दिया जाता है कि माँ के प्यार ने लाड ने दुलार ने बच्चे को बिगाड़ दिया लेकिन जब हम फैक्ट चेक करते हैं तो हमें यह लग रहा होता है पता लगता है कि भाई न्यूक्लियर फैमिलीज़ के मुकाबले जो सिंगल मदर्स के बच्चे होते हैं वो थोड़े ज़्यादा सज्जन होते हैं तो इसका मतलब कि ऊपर वाली बात सही नहीं है और इसीलिए आप देर तो नहीं कह सकते देर तब कहते जब ये वाली बात वाली बात के साथ जाती है तो थोड़ी सी अजीब लग रही है इसीलिए इट इंटरेस्टिंगली एनफ इज अ राइट फ्रेज फॉर द इंटरेस्टिंगलीकेंड ब्लैंक प्लेस राइट एंड दैट इज इज डी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व आप एक तरफ माओ के ऊपर आरोप लगाते हैं बट हम जनरली जैसा देखा जाता है कि भाई सिंगल मदर्स के जो बच्चे हैं वो ज्यादा आउटरीजियस पैटर्न्स डिस्प्ले नहीं करते बिहेवियर के वो शायद बचपन में ही थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको चैलेंजेस अपनी मदर के दिख रहे होते हैं आइए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन साइटिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग द नेशन सेंट्रल बैंकॉमिक रिकवरी इज अंडर वे हाउ एवर मेनी इकोनॉमिस्ट रिमेन स्केप्टिकल एज टू वेदर द इकोनॉमी इज पिकिंग अप आफ्टर मोर देन ईयर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ येस इनसिपियंट एनमिक स्लो वीक इनसीपियमिट इनसेपिड एंड एस्टाउंडिंग दो बड़े प्यारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स यहां पे आपको दिख रहे हैं इनसीपियंट एंड इनसीपिय होमोफोनस अजीत बैंक का बैच में एडमिशन ऑन है आप करियर वे ऐप पे जाएंगे ऊपर जो हेडर्स बने हुए हैं ना सारे उसमें बैंक में जाएंगे वहां एडमिशन ऑन है बैंकिंग स्पेशल इलेवन एंड इंग्लिश मीडियम बैच विल बी लॉन्च ऑन 24th फोर्थ ऑफ मार्च दैट वुड बी एन इंग्लिश मीडियम बैच बट जो बाईलिंगल बैच है उसमें एडमिशन उसमें कोई नया बैच इस महीने आपको नहीं मिलेगा जो बैच चल रहा है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं ठीक है अजीत आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे किसके साथ जा रहे हो देखिए पहले तो कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं इनसेपिट बहुत बेसिक वर्ड है इसका मतलब होता है टेस्टलेस टेस्टलेस जिस चीज में टेस्ट ना हो और उसके साथ एक और शब्द आता है ब्लैंड जो चीज बड़ी डल हो जिसमें कोई टेस्ट टेस्ट ना हो ब्लैंड ब्लेंड एंड ब्लॉन्ड अलग अलग शब्द हैं कन्फ्यूज मत होइएगा ब्लेंडिंग तो मिक्स जैसे ब्लेंडर होता है ना जो मिक्स करता है वो ब्लेंड है ये ब्लैंड है ब्लैंड इज डल जो शब्द है ना इसका मतलब स्टूपिड होता है थोड़ा आर्किक शब्द है अब उतना इस्तेमाल नहीं होता ये बेवकूफ के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनसीपिय जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है जब कोई चीज अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में हो शुरुआती चरण में हो उसे इनसीपिय कहते हैं सेंटेंस पढ़ो साइटिंग एन इम्प्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग द नेशन सेंट्रल बैंक हैज सेट दैट एन इन इकोनॉमिक रिकवरी इज अंडरवे ए इज द करेक्ट ऑप्शन यानी एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इम्प्रूवमेंट को कारण बताते हुए देश के सेंट्रल बैंक ने ऐसा कहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है अपने शुरू हो गई जैसे इज अंडर वे प्रोसेस में है बिल्कुल शुरुआती चरण में है बिगनिंग वाले स्टेज में है हाउ एवर Many economists remain skeptical. What is the meaning of the word skeptical? That you are doubtful. Right? If you are skeptical about something, you are doubtful. Many economists are skeptical hain as to whether the economy is picking up. the economy pick up kar rahi hai kya? Ho rahi hai. after more than a year of anemic economic growth? And this is called contextual understanding of vocab. अब एनीमिया का मतलब सभी को पता है एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी बट जब आप एनिमिक ग्रोथ की बात करते हो मीन वॉट की ग्रोथ एनिमिक खून की कमी यानी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है तो अब अगर एनीमिया को सिर्फ आपने ब्लड की कमी के साथ जोड़ा था तो यहाँ पे एक नया कॉन्टेक्स्ट आपको पता लग रहा है एनिमिक ग्रोथ का क्या मतलब है तो उनका यही मानना है कि जैसे होता है ना कि यार नहीं मुझे तो नहीं लग रहा इकोनॉमी वो डाउटफुल है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अभी भी कि भाई क्या इकोनॉमी पिकअप कर रही है क्या एक साल से ज्यादा लंबे समय तक एनिमिक इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद यानी ग्रोथ ऑन द लोअर साइड रही और क्या वो लिटरली बेहतर हो रही है क्या इसको लेकर के वो डाउटफुल है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखो तीन ब्लैंक प्लेस यहां पे है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हो सकता है आपको देखने में एक बार मुश्किल लगे बट इट्स प्रेटी इजी यस एलिमिनेशन टेक्निक्स एलिमिनेशन टेक्निक्स अप्लाई एलिमिनेशन टेक्निक्स अब मान लो आप आ, कई बार बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स uh, जो आपके कनेक्टर वाले क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टर वाले क्वेश्चन होते हैं अब आप सोचो सर बिकॉज ऑल दो एल इवन दो में क्या फर्क है सर आई एम नॉट सो क्लियर अबाउट दैट बट क्या उस कंफ्यूजन की जरूरत है यहां पे क्या आप खुद ही देख लीजिए डिड नॉट मेक एनी सिस्टेमिक एफर्ट सिस्टेमिक एफर्ट ये दोनों ऑप्शन दो ऑप्शन में ये वर्ड है जिसकी वजह से ए और डी ऑप्शन तो रेस से पहले ही बाहर हो गया सिस्टेमिक का मतलब होता है सिस्टम से संबंधित जैसे हम कहते हैं कि देर इज अड ऑफ सिस्टेमिक चेंज यानी हमें सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है देयर आर फ्लॉज कुछ कमियां हैं वहाँ पे दिक्कतें हैं परेशानियां हैं वी अ सिस्टमिक रिवाइवल सिस्टम का रिवाइवल तो महमूद गजनी जो है महमूद ऑफ गजनी 17 से ऑफ इंडिया ही डिड नॉट मेक एनी सिस्टमिक एफर्ट सिस्टम की बात नहीं है सिस्टमेटिक तो सिस्टमिक और सिस्टमेटिक में फ़र्क होता है यहाँ पे हम सिस्टमेटिक की बात करेंगे आ, और हि डिड नॉट मेक एन रिपीटेड आपने वैसे ही बाहर कर दिया भाई सत्रह बार हमला हुआ था तो हमला रिपीट ही हो रहा है ना तो आप ये कैसे कह सकते हो ही डिड नॉट मेक एनी रिपीटेड एफर्ट रिपीट तो वो कर ही रहा है सत्रह बार हमले किया उसने तो बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं हमें आगे पीछे ये देयर फोर हाउ एवर इधर नेवर दिलिस इसमें जाने की जरूरत ही नहीं थी एंड दिस इज कॉल्ड योर एप्टीट्यूड स्किल्स वॉट एवर नॉलेज यू हैव हैवर अंडरस्टैंडिंग यू हैव ऑफ दिस लैंग्वेज

इन फैशन इन वोग बोला है पहले वोग यू ई वोग का मतलब जो वोग मैगजीन भी है फैशन और वेक का मतलब हो जाता है क्या वेक का मतलब हो जाता है जो चीज जेनेरिक है जनरल है और एक शब्द और बोला है एटिकेट तो जो चीज एक समाज में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है लोगों के चीजों को ऑपरेट करने के उनके जो एटिकेट्स हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है सो वेस्टर्न कल्चर का जो रिलेशनशिप है लग्जरी के साथ वो

इसीलिए शोज़ ऑफ़ ऑस्टेंटेशियस वेल्थ लिखा हुआ और एक शब्द और अभी मेरी ज़बान से निकल गया तो उसको कहा जाता है नूव रीश याद रखिए जो लोग नए नए अमीर होते हैं ए एक शायरा है उनका बड़ा अच्छा शेर भी है मुझे याद नहीं आ रहा लाइन क्या है वो कि तुम्हारी दौलत नई नई है वाली बात तुम्हारे लहजे से लग रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है तो वही है ऑस्टेंटेशन वही दिखावा होता है तो जो वेस्टर्न कल्चर के रिलेशन से भाई वो लोग अमीर हैं जो लोग अमीर होते हैं उनको दिखावे की ज़रूरत नहीं है आज सच Uh, कि हर चीज का वो प्रदर्शन करते चले द वेस्टर्न कल्चर रिलेशनशिप विद लग्जरी इज स्टार्कली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन इमर्जिंग मार्केट यानी जहां नया नया पैसा आ रहा है जो मार्केट इमर्ज हो रहा है लोग अमीर हो रहे हैं थोड़ा उनके मुकाबले वेस्टर्न कल्चर का जो लग्जरी के साथ संबंध है वो पूरी तरीके से अलग है वेयर एज ग्रेट शोज ऑफ ऑस्टेंसियल आर कंसिडर्ड क्रॉस इन द यूके अब यहां कंपेरिजन किया जा रहा है कि यूके के अंदर अपने वेल्थ का प्रदर्शन करना क्रास माना जाता है बुरा माना जाता है मतलब वो उसको अच्छा नहीं मानते दैट इज अनरिफाइंड जबकि वो चीज अन के अंदर फैशन में है वहां दिखाते हैं राइट तो इमर्जिंग मार्केट वैसे भी पता है अभी रशिया का क्या हाल चल रहा है डिसमेंटलिंग के बाद क्या है तो लोकल लोग जैसे वहां पे जो एक प्रदर्शन करने वाली बात है राइट मैं उसमें ज्यादा नहीं घुस रहा बट आपको अभी इतनी जानकारी काफी है so this was the correct option out here. right, it's starkly different. basic level Uh, punch blind, places, read it out and choose the words. the entry of foreign media has to be by strict rules. any intention to the country politically or economically or any attempt at cultural in order to make the country a slave to the designs of international powers would not be. If the foreign media is keen on making a presence on the Indian soil, respect for the country's unity and is essential. Tell me. Yes, close test. Any intention to the country? Governed, rejected, dissected, retained. Words are easy. आई थिंक uh, two मिनट्स आर मोर देन sufficient फॉर दिस क्वेश्चन उससे ज्यादा की औकात नहीं इस क्वेश्चन की एंट्री ऑफ फॉरन मीडिया की एंट्री को गोगे ना गवर्निंग बॉडीज होती है रेगुलेटरी बॉडीज होती है हम उनको रिजेक्ट नहीं करने जा रहे यहां पर भी देखिए जेक्ट रूट वर्ड है जेक्ट का मतलब थ्रो करना होता है रिजेक्ट रीज बैक जब आप रिजेक्टेड होते हैं तो पीछे की तरफ धक्का दे दिया किसी ने आप डिजेक्टेड और डिप्रेस फील कर रहे हो डी नेगेटिव प्रिफेक्ट हो गया और एंड अगेन इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो हम बचे ही सिर्फ ऑप्शन के साथ कि फॉरेन मीडिया की जो एंट्री है उसको गवर्न किया जाएगा स्ट्रिक्ट नियमों के द्वारा एनी इंटेंशन टू द कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आर एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स वुड नॉट बी तो अब यहां पे क्या लग रहा है क्रिपल है कि अगर कोई भी कोशिश हुई एनी इंटेंशन टू क्रिपल द कंट्री पॉलिटिकली देश को राजनीतिक रूप से इकोनॉमिकली या आ, अगर आप डिस्टर्ब करना चाहें क्रिपल करना चाहें कि देश थोड़ा लड़खड़ा जाए स्क्रूपल शब्द आपने सुना होगा अनस्क्रूपलस बिहेवियर तो स्क्रूपल हम उस इंसान को कहते हैं जो थोड़ा मोरालिटी को लेकर के ज्यादा सतर्क होता है कि कहीं से उसके उससे कुछ गलत ना हो जाए इसीलिए अनस्क्रूपलस नेगेटिव वर्ड है और उसका इस्तेमाल मैकिवेलियन जैसे शब्दों के सिनोनिम के तौर पे होता है निकोलो मैक्यूवेल के नाम से आया हुआ शब्द मैक्यूवेलियन यानी जो आदमी बड़ा धूर्त हो बड़ा शातिर हो आ, तो उसी को हम अनस्क्रूपलस कहते हैं जो मॉरलिटी की बिल्कुल चिंता ना करें तो स्क्रूपल्स स्ट्रिपल का भी अगेन कोई यहाँ पर कॉन्टेक्स नहीं वो ड्राइंग और उसके साथ रिलेटेड वर्ड है वो तो यहां पे आप चले गए किसके साथ क्रिपल के साथ एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल एपसेंटिज्म क्लोनलिज्म इंपीरियलिज्म एंड डॉगमेटिज्म अगेन एज पर द कॉन्टेक्स्ट यहां पे हम सी के साथ जा रहे कल्चरल इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है कि भाई आप मीडिया के जरिए एक खास तरह के कल्चर का प्रभाव लोगों के दिमाग में बैठा दें जैसे वो बैठा दिया गया ना कि मॉडर्न लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं या मॉडर्न लोग ऐसा ऐसा जीवन जीते हैं मॉडर्न लोग ऐसा खाना खाते हैं आप फिल्मों में देखें नाइन्टीज uh, की फिल्मों के दौर की बात अगर हम करें या पहले की बात कर सकते हो क्योंकि मैं नाइन्टीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एल प्रिंसिपल सुना पढ़ा होगा आपने लिबरलाइजेशन के बाद जब मार्केट ओपन हुआ दुनिया भर की प्रोडक्ट तो आप गाने भी देखते थे अगर तो किस तरह का बिलबोर्ड दिखाते थे ज़्यादातर फिल्में जो हैं फॉरेन लोकेशंस पे शूट होती थी किस लिए कि भाई ये वाला कोल्ड ड्रिंक पियो तो तुम्हारे लिए अच्छा है कूल लोग ये वाला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं यू नो तो वही वाली चीज़ कि अब धीरे धीरे जब समझ में आने लग गया नहीं ये चीज़ें तो नुकसानदायक हैं अमेरिका के मोटापे के लिए खास तौर से वो पूरा जो खाना है जिसको हम जंक उसका नाम ही जंक है जंक फूड कचरा फूड लेकिन उस कचरे को कूल बना दिया गया तो वही एक कल्चरल इम्पेलिज्म आजकल हम फिर जब उस छाछ और दही और मट्ठे की बात करते हैं और अपने पेय पदार्थों की बात करते हैं जिसमें बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स हैं दुनिया घूम घूम करके फिर उसी चक्कर पे आ रही है मतलब पूरा चक्कर पूरा करके फिर उसी पॉइंट पे आ रही थी जो कल्चरल इंपेरलिज्म है इसका मतलब आप समझें कि जो सांस्कृतिक रूप से आपको ये दिखा दें कि नहीं आप तो कमतर हैं हम लोग ज्या, ज्यादा ज्ञानी हैं बेहतर हैं हम बताएंगे जीवन कैसे जीना है क्या खाना है क्या पहनना है तो अगर कोई भी ऐसी कोशिश होती है एट कल्चरल इंप्रिजम इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री अ स्लेव टू द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स लंबे सेंटेंसेज को समझो जो इंटरनेशनल पावर्स की अपनी डिजाइन है कि भाई लोगों को ऐसा बना के रखो ये इतना बड़ा मार्केट है ऐसा वैसा है ये कोई भी चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी अगर आप कोई एजेंडा लेकर के बाहर की मीडिया भारत की धरती पे आ रही है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा आपका आइडिया समझा जाता किस तरह की लाइन है अब आप देखें अभी चुनाव परिणाम आए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कैसी हेडलाइन है वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर किन तरह की हेडलाइंस का इस्तेमाल हो रहा है क्यों करते हैं वो तो जब आप ज्यादा पढ़ते समझते तो सारी चीजें आपको नजर आने लगती हैं अबेट करने का मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस करना उसकी कॉन्फिस्केट करना बहुत बेसिक वर्ड है एयरपोर्ट uh, के मामले में बार बार इतना ये चीज़ें कॉन्फिस्केट की गई अथॉरिटीज के द्वारा एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ढंग से अंडरस्टैंड करना एक शब्द आता है एम्बाइप करना आत्मसात करना एसिमिलेशन एसिमिलेट करना और बाकी के सारे शब्द यहाँ पे लास्ट में भी आसान है इफ द फॉरन मीडिया इज कीन ऑन मेकिंग अ प्रेजेंस ऑन द इंडियन सॉइल रिस्पेक्ट करिए देश की यूनिटी को और यूनिटी के साथ कौन सा वर्ड जा रहा है इंटेग्रिटी देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना आपके लिए आवश्यक है उसके बिना आप नहीं आ सकते अगेन देर इज नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्नरबिलिटी राइट सो डॉगमेटिज्म बड़ा प्यारा शब्द है डॉगमेटिक आप बार बार सुनते हैं इजम लगा हुआ है फिलोसफी है डॉगमेटिक उसे कहा जाता है जो इंसान जो इंसान हमेशा अगर आप बात करें अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर के बड़ा अडियल ठीक है बात समझ में आ गई आगे बढ़े ये आज के लिए पर्याप्त है दिस मच इज सफिशंट एक और पैराग्राफ कर लें चलो छोटा सा पैराग्राफ है और एक इसके साथ एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा द काइंड ऑफ मिस्टेक मोस्ट ऑफ द दे आर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट गलतियां क्या होती हैं जैसे आप क्वेश्चन करना सॉल्व शुरू करते हो ना सॉल्व करना जैसे ही पहला ब्लैंक प्लेस मिलता है आप ऑप्शन देखने लग जाते हैं ये काम नहीं करना स्टेप्स आपने क्या फॉलो करना है गो थ्रू द पैसे फर्स्ट ब्लैंक प्लेस के साथ एक बार पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लो सारे ब्लैंक प्लेस के साथ सो दैट यू कुड हैव एन अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेस Of the passes, किसके बारे में बात हो रही है ये चीज़ें आपको समझ में आ एंड सेकेंड टाइम जब आप पढ़ते हैं ना तब आप वर्ड्स को चूज करिए जो आपको तरीके अभी आज के ही सेशन में मैंने बताए हैं उनको ऑप्शन को तौलना कि किसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ ये काम दोबारा करना होता है उसका कारण क्या है कि कई बार यहां पे कौन सा वर्ड सही होगा हो सकता है उसका हिंट चौथे लाइन में लिखा हुआ है बट क्योंकि आप जल्दबाजी में बहुत थे आप पहले ही आंसर देखने लग गए तो उसमें आपका टाइम भी खराब होता है गलतियां भी होती हैं बिकॉज ये चीज समझनी है आपको क्लोज टेस्ट के जो ब्लैंक हैं वो आइसोलेशन में नहीं है ऐसा नहीं कि एक ब्लैंक प्लेस का सेंटेंस क्वेश्चन था और आपने कर लिया दैट पर्टिकुलर ब्लैंक प्लेस इज द पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ राइट उसका कनेक्शन पैराग्राफ के साथ होता है इसलिए पूरा पढ़ना बड़ा जरूरी है एक बार पढ़ लीजिए एक से डेढ़ मिनट का समय एंड देन आई डिस्कस दिस क्या बात है मिश्रा जी ने पूरा किया है यहां पे खानदानी रईश हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है क्या बात है राम यहां पे इस कॉन्सेप्ट कौन सा क्वेश्चन देखा आपने अभी भाई जो बात हो रही होती है उससे रिलेटेड पूछेंगे आप अब आप एक नया टॉपिक पूछेंगे उससे मुझे अलग से बात करनी पड़ेगी चलिए अर रेपुटेशन एंड इमेजेस मोस्ट डेफिनेटली डिर्मिंड बाई आवर किसके द्वारा डीड्स नीड्स क्रीड एंड ब्रीड क्या लग रहा है हमारी जो रेपुटेशन और इमेज है वो मोस्ट डेफिनेटली किसके द्वारा निर्धारित होती है? हमारे कर्मों के द्वारा और किसी चीज के द्वारा निर्धारित नहीं होती राइट right? ना तो नीट से क्रीड का मतलब जिस तरह के फेथ से आप बिलोंग करते हैं जो आपका रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है और ना तो आपकी पैदाइश कहां से हुई है एक हद तक ये हो सकता है कहां से आते हो बट एट द एंड ऑफ द डे आपके जो कर्म है वो आपको निर्धारित कर रहे होते हैं कि आप कौन है ऑल्सो आवर टेन टू बी हैबिट फॉर्मिंग एक्टिंग सेवोकेशन बाई सेक्शन प्री डिस्पोजिशंस प्री डिस्पोजिशंस यहाँ पर आप ऑटोमेटिक हिंट आ रहा है एक प्री डिस्पोजिशन का मतलब कि जिस तरह से आप काम करते आ रहे हैं डिस्पोजल मतलब आप जिस तरीके से आपका जो कंडक्ट है जो बिहेवियर है वो हैबिट फार्मिंग होता है कई बार हम अपनी ही चीज़ों अपनी आदत के शिकार हो जाते हैं ना हम कहते हैं यार नहीं अगली बार ऐसा होगा तो हम ऐसे बिहेव नहीं करेंगे किसी और तरीके से बट वन सिचुएशन अकर्स आप वैसे ही करते हो जैसा करते आ रहे हो वही चीज़ यहाँ पर लिखिए क्योंकि डीड से ही आपके एक्शन से ही तो आपकी आदतें बनती हैं जैसा काम करते आ रहे करते आ रहे कई सालों से जैसा मौका आएगा आप ही कर लेते हो इन दैट वी हैव टू एक्ट इमेंसिटी प्रोपेंसिटी विस्कॉसिटी एंड वर्चुअसली आई थिंक मुझे लगता है कि शब्द सारे बड़े आसान है इमेंसिटी कोई चीज इमेन से बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी का मतलब झुकाव होता है आपकी इंक्लिनेशन विस्कॉसिटी विस्कस लिक्विड साइंस में पढ़ा होगा आपने कोई लेना देना नहीं है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और वर्चुअसली का भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ग्रामर के हिसाब से भी नहीं है और मीनिंग के अकॉर्डिंग भी नहीं है तो यानी वही बात कि हमारा झुकाव होता है एक पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करने का और इसीलिए हेंस मोस्ट पीपल आर बॉर्न अलाइव शेप्ड किल्ड बाय देयर डीड्स मैंने वही कहा था देखो इस डीड का हिंट कहां पे छुपा है यहां पे छुपा था तो आप पढ़ के खुद समझ लोगे इसीलिए ज्यादातर लोग अपने कर्मों के द्वारा शेप किए जाते हैं और इसीलिए उन ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके एक्शंस पे उनका लिटिल कंट्रोल होता है जैसे जब हम किसी चीजों के हैबिचुअल हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एक्चुअली आवर एक्शन बाईपास बाईपास फैकल्टी ऑफ माइंड यानी आपके एक्शन जो है आपकी फैकल्टी ऑफ माइंड को बाईपास कर जाते हैं आप तोल नहीं पाते क्योंकि आदत के शिकार है हो ही जाता है और फिर बाद में अफसोस होता है यार मैंने तो अपने आप से वादा किया था कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा लेकिन जब हुआ तो हो ही गया जब ऐसा सिचुएशन आया तो वही चीज लिखी है कि ज्यादातर लोग लिटिल कंट्रोल कंट्रोल ना के बराबर रखते हैं। इनवायरमेंट विच टू ग्रेट एक्सटेंट क्वेश्चन प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव हमारी जहां परवरिश है जहां रहते हैं हम सराउंडिंग्स जो हैं, सरकमस्टेंसिंग जो हैं, वो सारी चीजें हैं काफी हद तक जिंदगी में हमारी प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव्स को तय करती हैं सो क्लोज टेस्ट आर प्रिटी ईजी आपको आज की सेशन में ये बात समझ में आ गई एंड वॉट आर द की टेक अवेज ऑफ दिस सेशन की टेक अवेज आर इफ वी टॉक अबाउट क्लोज टेस्ट टू स्किल सेट्स आर ब्रॉडली टेस्टेड थ्रू दिस क्वेश्चन टाइप एंड दोट्स रीडिंग प्राविस रीडिंग स्किल्स एंड वेन आई एम सेंगे रीड करके समझने की ताकत क्या कह रहा है और वो कैब स्किल्स वो कैब स्किल्स मीन्स वॉट रटा हुआ वो कैब का मीनिंग नहीं हाउ टू डिफ्रेंसीट सिनॉनिमस वर्ड्स एंड वी डिस्कस अबाउट दोज पैरामीटर्स लाइक कॉनोटेशन कॉन्टेक्सट कॉलोकेशन देर इज अ डिग्री यूसेज बड़े सारे टर्म्स इस तरीके के लेकिन काफी हद तक उन तीनों से आपका काम बन जाता है और इस ये बेहतर सिर्फ और सिर्फ होगा आपको डिक्शनरी देखने की आदत से बहुत कम या ना के बराबर किताबों में इस तरह का पका पकाया खाना नहीं मिलता है तो थोड़ी सी आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वेन एवर यू कम अक्रॉस सिनोनिमस वर्ड्स मेक दिस थिंग योर हैबिट लाइक आई डेफिनेटली गो द डिक्शनरीज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वॉट काइंड ऑफ डिफरेंसेज आज देयर अमंग दो बिटवीन दोज सिनोनिमस वर्ड्स ये आदत आपकी वो कैब के अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगी ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन थैंक यू वेरी मच एवरी वन एंड लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन क्या चाहते हैं आप वेंसडे वाले सेशन में क्या करें पैराजल्स पैराजम्बल सॉल्व कर लें थोड़े से चलिए सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ कीप स्टडी एंड कीप एनालाइजिंग और परफॉर्मेंस आपकी अपनी असेसमेंट बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत हो रही है मेहनत जो हो रही उसका कितना रिजल्ट आ रहा है कहां नहीं आ रहा क्या करना है ये सब जानकारी आपको अपने आप से लेनी पड़ेगी उसके बाद सक्सेस इज इनएविटेबल थैंक यू वेरी मच एवरी वन लेट्स कैचअप इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू